अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये एलसीडी टीवी है 55 इंच का, ठीक है, 55 इंच का एलसीडी टीवी है। तो ये है स्विटेक्स, तो ये उल्टा पड़ा हुआ है, इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एलसीडी टीवी है, साथ में इसमें असल में इसमें इसकी बॉडी है लकड़ की, इसलिए इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डेड हालत में, ठीक है। इसका जो इंडिकेटर है, रेड लाइट है, वो भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये रेड लाइट है, पावर ऑलरेडी मैंने दी हुई है, लेकिन ये इसकी रेड लाइट ऑन नहीं हो रही, ठीक है। ये समझ लें कि बिल्कुल डेड हालत में है। तो चलो इसको रिमूव करते हैं बैग को, फिर देखते हैं क्या हर इसमें क्या फॉल्ट है। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बैग को ओपन कर लिया। ये इसकी बैग है, देख सकते, काफ़ी बड़ा बोर्ड है इसका, ठीक है। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, ठीक, ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ, और ये इसका मदर बोर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो इसके स्टैंड बाई के वोल्ट भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्टैंड बाई के वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इसके स्टैंड बाई, ये ग्रीन जो है इसकी स्टैंड बाई के यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे तो हमारा सेट ऑन होगा, फिर आगे का वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो जो इसका इंडिकेटर है वो भी ऑन नहीं हो रहा। तो अभी मैंने इसके बैक को रिमूव किया है, अब हम इसके चेक करेंगे यहाँ पे इसके। सबसे पहले तो इसके 5 वोल्ट स्टैंड बाई के चेक करेंगे, वो क्यों मिल कितने मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हम दोबारा से देखते हैं इसको। तो जी सबसे पहले हम इसके ये इसके बैक सॉरी इसके स्टैंड बाई के वोल्ट, ये इसकी ग्राउंड है, ये इसकी सबस जो है ये इसकी स्टैंड बाई की है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, कोई वोल्ट नहीं मिल रहे हमें, स्टैंड बाई के ऊपर वोल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसकी मेन पावर सप्लाई, ठीक है, मेन 220। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका 220 का जैक है यहाँ पे। तो जब हम हाँ ये नज़र आ गया, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, बहरहाल अभी मैं कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये इसकी जो वायर है जो जली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेते हैं इस जैक के ऊपर, ये फ्यूज़ लगा हुआ है 220 का, अगर यहाँ पर वोल्ट मिल रहे हैं तो फिर आगे फॉल्ट है, वरना हमें 220 ही नहीं मिल रहे इसके ऊपर। तो ये वायर यहाँ पे आती है, इसकी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो जैसा कि मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं 220 हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। तो 220 कब मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी वायर हमें जली हुई नज़र आ रही है कुछ, तो ये मैं अभी इसको ओपन करती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इसकी ये वायर है, ये जली हुई, ठीक है। हाँ ये इसकी जल गई है, ठीक है। तो नीचे भी ये जले हुई है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसको रेक मार के ज़रिए इसको साफ़ करेंगे प्रिंट को अच्छी तरह, तो इसको जैक को लगा के चेक करेंगे, अगर जैक हमारा ठीक है तो नहीं तो वरना इसको सोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्ड करेंगे, पर सबसे पहले हम इसको रेक मार के ज़रिए इसको साफ़ करते हैं। तो जी मैंने अभी इसको साफ़ किया है, ठीक है। अब इसको जैक को लगा के ऐड करते हैं, ऐड लगा के चेक करते हैं जी। एक तरफ से मैंने काट कर रही है इसको, चेक को यहाँ पे सोल्ड कर दिया और लगा दिया। अब हम इसको पावर देते हैं, तो ये मैंने पावर दे दिया, आप देख सकते हैं, तो इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो
जब रेड लाइट ऑन हो चुकी है तभी सेट हमारा भी ओपन हो जाएगा। ये इसकी लाइट ऑफ हो गई, ठीक। अभी सेट हमारा ऑन हो चुका है बिल्कुल ओके। इसकी बैक लाइट आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी है। क्योंकि ये बहुत वजनी है इसलिए ऊपर नहीं उठाना, नीचे से आप देख सकते हैं सेट बिल्कुल ओके। फॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसमें ये जो 220 जैक है उसमें उस जंग की वजह से, डस्ट की वजह से वो डिसकनेक्ट हो गया था, इस जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा था। जो सेट जो है वो डेड हालत में था, ठीक है। तो सेट बिल्कुल ओके, पावर दे दिया। ये इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करते हैं, इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं केबल लगा के। इसको ये इसकी ग्रीन लाइट ऑन होगी, स्वेटैक्स, ठीक है। ये उल्टी पड़ी हुई है, सीधा नहीं है, तो इसलिए इसका, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल A1 है, ठीक है। पिक्चर हमारा भी ओके है, सेट हमारा ओके हो चुका है, ठीक है। साउंड भी ओके है, ठीक है। सेट वेस्ट इस वक्त बिल्कुल ओके है।